जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है एक और नए टूर में। आज के इस वीडियो में हम टूर करने वाले केरला का। केरला साउथ इंडिया का बहुत ही खूबसूरत स्टेट है जो अपने टी गार्डन और अपने बैक वाटर के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। इस वीडियो में मैं मेरी केरला ट्रिप के एक्सपीरियंस के अनुसार केरला टूर की टोटल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जैसे केरला कब जाए, कैसे जाए, केरला का टूर कितने दिन का करे, केरला में कहाँ कहाँ पर घूमने जाए और केरला घूमने में कुल खर्चा कितना होगा, ऐसी और भी कई सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज घूमते हैं केरला। तो दोस्तों, केरला जाने के लिए मैंने दिल्ली से डायरेक्ट कोची के लिए फ़्लाइट ली थी और बाई फ्लाइट मैं कोची पहुँच गया था। अगर आप भी फ्लाइट से केरला आना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट केरला के कोची एयरपोर्ट पर आ सकते हैं, और अगर आप ट्रेन से कोची आना चाहते हैं तो कोची में रेलवे स्टेशन भी मौजूद है जो इंडिया के हर एक सिटी से अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। तो आप बाई ट्रेन भी कोची तक आ सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोची को एर्नाकुलम के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ अगर आप बस से कोची आना चाहते हैं तो चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद जैसी सिटी से डायरेक्ट कोची के लिए बस भी चलती है, तो आप बाई बस भी कोची तक आ सकते हैं। और अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लेकर कोची आना चाहते हैं तो भी बिना किसी दिक्कत के आ सकते हैं। मैं बाई फ्लाइट कोची आया था। आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन हो आप उसके ज़रिए कोची आ सकते हैं। और मैं आपको केरला में कोची आने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने केरला का टूर कोची से स्टार्ट किया था और कोची में रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों मौजूद है, इसलिए आपको कोची आने में आसानी होगी। साथ ही कोची से केरला की बाकी जगह पर घूमने जाने में काफ़ी आसानी होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी कोची आ जाए और कोची से ही अपना केरला का टूर स्टार्ट करें। इसके बाद दोस्तों, कोची में आते ही मैंने दो दिन के लिए होटल बुक की थी जिसका मैंने एक दिन का 800 रुपये दिया था। बाकी कोची में होटल की प्राइस लगभग 600 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है और होटल आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। होटल बुकिंग करने के बाद दोस्तों, कोची में मैं सबसे पहले घूमने गया था खेरई बीच पर। दोस्तों, ये बीच मुझे बहुत ही खूबसूरत और शानदार लगा और इस बीच पर मुझे बहुत सारा क्राउड देखने को मिला जैसा कि गोवा में होता है। साथ ही यहाँ पर कई सारी वाटर एक्टिविटी और बाकी एक्टिविटी हो रही थी, मैंने उससे भी खूब इंजॉय किया था। इसके अलावा दोस्तों, केरला टूर में कोची में मैं घूमने गया था कोची फोर के लिए। दोस्तों, ये प्लेस भी कोची की काफ़ी शानदार और फेमस प्लेस है। आप चाहे तो कोची में यहाँ पर भी घूमने के लिए आ सकते हैं और यहाँ पर घूमने में भी मुझे काफ़ी मज़ा आया था। इसी के साथ दोस्तों, कोची में मैं घूमने गया था छोटा निकार भगवती टेंपल के लिए। दोस्तों, ये टेंपल कोची का बहुत ही फेमस और श्रद्धा वाला टेंपल है और यहाँ पर मुझे भक्तों की खूब सारी भीड़ देखने को मिली। और कोची का ये टेंपल मुझे नॉर्थ इंडिया के मुकाबले एकदम डिफरेंट लुक का लगा जो बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पर मैंने भगवान के दर्शन किए। इसके अलावा दोस्तों, कोची में शाम के टाइम में मैं घूमने गया था मरीना ड्राइव के लिए। दोस्तों, जैसे मुंबई में मरीना ड्राइव है, ठीक वैसे ही कोची में भी ये मरीना ड्राइव है जो काफ़ी शानदार और खूबसूरत है, और शाम के टाइम में यहाँ पर क्राउड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस प्लेस की मुझे सबसे खास बात ये लगी कि यहाँ पर इतना क्राउड होने के बावजूद भी ये प्लेस बहुत ही नीट एंड क्लीन यानी कि साफ़ सुथरी थी, और यहाँ से मुझे पूरे समुद्र का काफ़ी शानदार व्यू देखने को मिला। और यहाँ पर बैठकर मैंने काफ़ी शानदार टाइम स्पेंड किया और यहाँ पर घूमना भी मेरा काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस रहा। इसी के साथ दोस्तों, कोची में मैं गया था कोची के सबसे फेमस मॉल लुलू मॉल में, जो इंडिया के सबसे लार्जेस्ट मॉल में से एक है। यहाँ पर मुझे शॉपिंग करने के खूब सारे ऑप्शन मिले और यहाँ पर मुझे नेशनल से लेकर इंटरनेशनल सभी ब्रांड की शॉप और शोरूम देखने को मिले, और यहाँ पर घूमने में मुझे लगभग 2 से 3 घंटे का टाइम लगा था। इसके अलावा दोस्तों, कोची में मैं घूमने गया था मटन चेरी पैलेस के लिए। इस पैलेस में पहले के ज़माने में राजा महाराजा लोग रहा करते थे, लेकिन ये प्लेस आज के टाइम में काफ़ी शानदार प्लेस है और यहाँ पर घूमने के लिए भी काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। ओवरऑल दोस्तों, कोची में मैं 2 दिन रुका था और 2 दिन कोची घूमने के बाद मैं निकल गया था मुन्नार के लिए। कोची से मुन्नार की दूरी लगभग 130 किलोमीटर पड़ जाती है और कोची से आपको डायरेक्ट मुन्नार के लिए बस और टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी जिसके ज़रिए आप कोची से मुन्नार के लिए जा सकते हैं। और जब मैं कोची से मुन्नार जा रहा था तो बीच में पड़ता एक अथीरापल्ली वाटरफॉल, मैंने उसे भी विजिट किया था
ये वाटरफॉल भी बहुत ही खूबसूरत और शानदार वाटरफॉल है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाहुबली का वाटरफॉल वाला सीन यहीं पर शूट हुआ था, इसीलिए ये वाटरफॉल काफ़ी खास और काफ़ी शानदार है। मैंने इस वाटरफॉल को भी विजिट किया और फिर मैं निकल गया मुन्नार के लिए, और खूबसूरत व्यू का आनंद लेते हुए मैं कुछ टाइम के बाद ही मुन्नार पहुँच गया था। इसके बाद दोस्तों मुन्नार में आते ही मैंने 2 दिन के लिए होटल बुक की थी, जिसका मैंने 1 दिन का 1000 रुपये दिया था। बाकी मुन्नार में कई सारी होटल बनी हुई है, आप अपने बजट के हिसाब से मुन्नार में होटल बुक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों होटल बुकिंग करने के बाद मैं मुन्नार में सबसे पहले घूमने गया था एराविकुलम नेशनल पार्क के लिए। दोस्तों इस पार्क में जाते ही मैंने सबसे पहले टिकट ली और फिर हमें एक टूरिस्ट बस में बिठा दिया गया और उस बस से हमें पूरे गार्डन का टूर कराया गया, जिसमें हमें बहुत ही खूबसूरत गार्डन और वाटरफॉल का व्यू देखने को मिला था। दोस्तों इस गार्डन में घूमना मेरा काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस रहा, और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मुन्नार आते तो इस प्लेस को विजिट करना न भूले, ये प्लेस बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा दोस्तों मुन्नार में मैं घूमने गया था मुन्नार के फेमस टी गार्डन के लिए, और दोस्तों मुन्नार के टी गार्डन पूरे इंडिया में खूब फेमस है, और यहाँ के टी गार्डन में मैंने खूबसूरत फोटोग्राफी भी की थी, और यहाँ पर घूमना भी मेरा काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस रहा। और अगर आप मुन्नार आते तो यहाँ के टी गार्डन को विजिट करना बिल्कुल ना भूले। इसके अलावा दोस्तों मुन्नार में मैं गया था चेपारा वाटरफॉल के लिए। ये वाटरफॉल भी मुन्नार का काफ़ी खूबसूरत और शानदार वाटरफॉल है, और ये वाटरफॉल जस्ट रोड के पास में आया हुआ है, और यहाँ पर भी काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। मैंने इस वाटरफॉल को भी इंजॉय किया था। इसी के साथ दोस्तों मुन्नार में मैं घूमने गया था मट्टूपट्टी डैम के लिए। ये डैम भी मुन्नार की काफ़ी शानदार लोकेशन है, और काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर घूमना भी पसंद करते हैं, और यहाँ से मुझे काफ़ी शानदार डैम का व्यू देखने को मिला, मैंने उससे भी खूब इंजॉय किया। इसके अलावा दोस्तों मुन्नार में मैंने मुन्नार के टी म्यूज़ियम को भी विजिट किया था, जो काफ़ी खूबसूरत था। यहाँ पर मुझे टी गार्डन देखने को मिले, साथ ही फैक्ट्री में टी यानी कि चाय बनकर कैसे तैयार होती है उसका मैंने लाइव प्रोसेस भी देखा था। इसी के साथ दोस्तों मैंने मुन्नार के मार्केट को भी एक्सप्लोर किया था, जो मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा। ओवरऑल मैं मुन्नार में 2 दिन रुका था, और मुन्नार में 2 दिन घूमने के बाद मैं निकल गया था मुन्नार से आगे अलेपी के लिए। मुन्नार से अलेपी की दूरी लगभग 170 किलोमीटर पड़ जाती है, और मुन्नार से भी अलेपी जाने के लिए आपको बस की सुविधा मिल जाएगी, बाकी आप चाहे तो टैक्सी से भी जा सकते हैं। और मैं खूबसूरत व्यू का आनंद लेते हुए मुन्नार से अलेपी पहुँच गया। इसके बाद दोस्तों अलेपी में आते ही मैंने सबसे पहले हाउस बोट बुक की थी, जिसका मैंने 1 दिन का 5000 रुपये दिया था। अगर आप सस्ते में हाउस बोट बुक करना चाहते हैं तो आपको 4000 रुपये के आसपास में भी हाउस बोट मिल जाएगी। बाकी आप कोशिश करें कि दोपहर में 12 से 1 बजे से पहले ही आप हाउस बोट बुक कर ले, क्योंकि दोपहर में 12 बजे के बाद हाउस बोट लेक में घुमाने के लिए निकल जाती है, फिर आप अगले दिन ही हाउस बोट का टूर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप हाउस बोट ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। हाउस बोट बुकिंग करने के बाद मैंने हाउस बोट में सेकिंग किया, और फिर हमारी हाउस बोट निकल गई लेक में घुमाने के लिए। दोस्तों हाउस बोट से अलेपी के बैक वाटर में घूमना मेरा काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस रहा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाउस बोट पूरे इंडिया में या तो सिर्फ केरला में चलती है या फिर हमारे कश्मीर में चलती है। बाकी मुझे हाउस बोट से घूमने में बहुत ही मज़ा आया था, और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आप केरला आते तो अलेपी में आकर हाउस बोट को ज़रूर इंजॉय करें। अगर आप हाउस बोट और यहाँ के बैक वाटर को एंजॉय नहीं करते तो आपकी केरला की ट्रिप अधूरी रहेगी। इसके बाद दोस्तों पूरा दिन हाउस बोट से लेक में घूमने के बाद शाम के टाइम में हाउस बोट को पानी के किनारे पर लगाया गया। इसके बाद मैं हाउस बोट से नीचे उतरा और उसके आसपास के व्यू को भी मैंने एंजॉय किया, और हाउस बोट में रूम वगैरह सभी तरीके की सुविधा थी, मुझे किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं हुई थी, यहाँ तक कि हाउस बोट में एसी भी लगा हुआ था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जो भी हाउस बोट बुक करते हैं उसमें आपका खाना पीना और रहना सब कुछ इंक्लूड होता है। इसके बाद दोस्तों दूसरे दिन में हमें लगभग दोपहर के 12 बजे तक हाउस बोट से बैक वाटर में घुमाया गया, और इसके बाद लगभग 12 बजे हाउस बोट ने हमें वहीं पर छोड़ दिया जहाँ से हमारी हाउस बोट स्टार्ट हुई थी। ओवरऑल दोस्तों मेरा हाउस बोट से अलेपी को विजिट करना बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा।
इसके बाद दोस्तों हाउस बोट को एंजॉय करने के बाद मैं निकल गया अलेपी की लोकल प्लेस को विजिट करने के लिए, जिसमें मैं सबसे पहले घूमने गया था मरारी बीच के लिए, जो अलेपी का सबसे फेमस बीच है और यहाँ पर मुझे खूब सारे टूरिस्ट घूमते हुए देखने को मिले। इसी के साथ दोस्तों अलेपी में मैं घूमने गया था लाइट हाउस के लिए। लाइट हाउस भी अलेपी की काफी शानदार लोकेशन है, मैंने इसे भी विजिट किया था और लाइट हाउस से मुझे अलेपी और बीच का काफी शानदार व्यू भी देखने को मिला था। इसी के साथ दोस्तों अलेपी में मैं घूमने गया था मुन्नार साला श्री नागराजा टेम्पल के लिए। ये टेम्पल भी अलेपी का काफी शानदार और खूबसूरत टेम्पल है और यहाँ पर मैंने भगवान के दर्शन किए और अलेपी में आने वाले खूब सारे यात्री यहाँ पर घूमना और दर्शन करना खूब पसंद करते हैं। इसके बाद दोस्तों अलेपी में घूमने के बाद मैं वापस निकल गया कोची के लिए और अलेपी से कोची की दूरी लगभग 53 किलोमीटर पड़ जाती है और कोची आने के बाद मैं कोची से वापस अपनी सिटी के लिए निकल गया। अगर मैं आपको मेरे टोटल टूर के बारे में बताऊं तो आप मैप में देख सकते हैं मैं 2 दिन कोची में रुका था, इसके बाद मैं कोची से मुन्नार गया था और 2 दिन में मुन्नार में रुका था, इसके बाद मैं मुन्नार से अलेपी गया था और 2 दिन में अलेपी रुका था और फिर मैं अलेपी से कोची आया था और फिर कोची से मैं अपनी सिटी के लिए निकल गया था। तो ये मेरा टोटल 7 दिन का केरला का टूर रहा था। बाकी अगर आपके पास में टाइम है तो आप कोची से वेनाड का टूर भी कर सकते हैं। वेनाड भी अपने टी गार्डन के लिए काफी ज्यादा फेमस है, तो आप चाहे तो वहाँ पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं। बाकी दोस्तों केरला में आप साल में कभी भी घूमने के लिए आ सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम विंटर का माना जाता है, लेकिन टूरिस्ट साल भर केरला घूमने के लिए आते रहते हैं। बाकी दोस्तों मैंने केरला में घूमने के लिए कोची से 7 दिन के लिए बाइक रेंट की थी और बाइक से ही मैंने पूरे केरला का टूर किया था, जिसका मैंने 1 दिन का रेंट 500 रुपये दिया था। बाकी आप चाहे तो केरला में घूमने के लिए टैक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप कोची से मुन्नार और फिर मुन्नार से अलेपी जाने के लिए बस का इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ पर घूमने के लिए वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अकेले या फिर 2 लोग साथ में जा रहे हैं तो आप बाइक रेंट कीजिए, जिससे घूमना आपको सस्ता भी पड़ेगा और आपका कम्फर्टेबल भी होगा। बाकी अगर आप ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो आप टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप अपने बजट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से केरला घूमना है। चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि मेरा केरला घूमने में कुल खर्चा कितना हुआ था। तो दोस्तों केरला घूमने में मेरा होटल का खर्चा लगभग 4000 रुपये हुआ था। इसके बाद मैंने घूमने के लिए बाइक रेंट की थी, जिसका मेरा बाइक रेंट का और पेट्रोल का खर्चा लगभग 4500 रुपये के आसपास में आया था। इसके बाद मेरा हाउस बोट का खर्चा 5000 रुपये आया था और केरला में मेरा खाने पीने का खर्चा लगभग 3500 रुपये के आसपास में आया था। अगर मैं आपको टोटल खर्चे के बारे में बताऊं तो मेरा 7 दिन का केरला घूमने का खर्चा लगभग 17000 रुपये के आसपास में आया था और मैं केरला अकेले घूमने गया था। अगर आप 2 या फिर 2 से ज़्यादा लोग साथ में घूमने जाते हैं तो आपका खर्चा कम आएगा, क्योंकि आप एक होटल में 2 लोग रुकेंगे तो उसका खर्चा आपका 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आप घूमने के लिए टैक्सी या फिर बाइक रेंट करते हैं तो उसका खर्चा भी आपका 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। ओवरऑल अगर आप 2 या फिर 2 से ज़्यादा लोग साथ में केरला जाते हैं तो आपको घूमना थोड़ा सस्ता पड़ेगा मुकाबले आप अकेले जाते हैं उसके। तो चलिए दोस्तों हमने आपको लगभग केरला टूर की टोटल इन्फॉर्मेशन दे दी है, फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं एक और नए टूर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।